आर्मी चीफ पारां कराची चतोरो एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है त कानून लागू कदड़ इदारा लागापियल इदारा गैरकानूनी सरगर्मियों खिलाफ कार्रवाई जारी रखन। वसीलन की चोरी बर्दाश्त न कई वेंदी। आईएसपी आर मूजिब दौरे दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सिंध के निगरान वे वजीर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर से गड सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत कई। पथराई मूजिब एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ के नजरसानी थियल नेशनल एक्शन प्लान गैरकानूनी तौर तरसियल परडेहन की निकाली ए कच्चे में ऑपरेशन बाबत ब्रीफिंग दिनी वही। सीपेक समेत मुख्तलिफ मनसूबन से भी कम कदड़ परडेहन सिक्योरिटी बाबत ब्रीफिंग दिनी वही। आर्मी चीफ इदारों में राबता बढ़ाने से जोर भर। आर्मी चीफ के कराची पहुंचने से कोर कमांडर कराची इस्तकबाल कयो। नव मई वारा वाकया पाक फौज ए मुल्क खिलाफ साजिश हुआ जेके एक रिथाबंदी तहत कया व्या। एहतसाब सभी जो थियण घुर्जे। 75 सालन दौरान एहतसाब की लठ रुगो सियासतदान ते ही हलंदी रही है जेको तारीख जो कारो बाब है। एहतसाब उहो है जेको थींदो नजर अचे अवाम भी उन तस्लीम करे। नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर से ते है। हाँ इन बाबत सवाल न थियण घुर्जन। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अगोणे वजीर आजम ए नून लीग के नायब सदर शहबाज शरीफ चयो त नवाज शरीफ की वतन वापसी में का भी रुकावट न है। कानूनी टीम भी क्लियरेंस दई छी है। अल्लाह के मंजूर हों त नवाज शरीफ 21 अक्टूबर से वापस इंद। असा के हुकूमत मिली तो मुआशी बोहरान ए महंगाई विरसे में मिलो। असा मुल्क ए कौम लाए पेंची सियासत दाव ते लगाई मुल्क के मुआशी बोहरान में कढ़ियो। नवाज शरीफ के हाने भी दिल की बीमारी जो अलामतू आन शुगर ए बन बीमारियों सबब नवाज शरीफ के लंडन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। बरतानिया के अस्पताल नवाज लीग की कायद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर छी। रिपोर्ट मूजिब नवाज शरीफ के कोरोना एंजाइना की अलामतों सबब पाकिस्तान वजन का रोके वो हो। पीटीआई चेयरमैन के साइफर केस में जेल ट्रायल ए ट्रायल कोर्ट के जज की मुकर्ररी खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुधनी। अदालत बिन का टिन डी अंदर दरख्वास्त फैसलो बुधाने जो इशारो दई छो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक रिमांसदे जेल ट्रायल ए जज की मुकर्ररी खिलाफ दरख्वास्त फैसलो महफूज है। कोशिश कंदी बिन का टिन डी में फैसलो बुधाय। चीफ जस्टिस पीटीआई चेयरमैन के वकील का अडियाला जेल मुंतकली बाबत भी मालूम कर। वफाकी हुकूमत पारा भाण फैक्ट्रियों लाए गैस महंगी करण जो फैसलो। जरियन मूजिब भाण फैक्ट्रियों लाए गैस की कीमत 302 रुपयों में बधाए 580 रुपया फी MMBTU कई वेंदी। भाण फैक्ट्रियों लाए गैस महंगी करण जो फैसलो IMF के मुतालबे ते कयो पियो वञे। पावर डिवीजन कराची वासन से बिजली किराए छी। के इलेक्ट्रिक के वाहेदारों बिजली के अघ में फी यूनिट 1.49 रुपयों का 4.45 रुपया ताई बाद। पावर डिवीजन नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन मूजिब बिजली के अघ में वाद टेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कई वही है। वाधू अघ अक्टूबर ए नवंबर के बिल्स में उगाड़िया वा। सखर पुलिस 54 ढीह घुसण बावजूद शहीद जान मोहम्मद महर के कातलन के गिरफ्तार न कर सकी। समूरी सिंध सरापा एहतजाज बणल।
शहीद जान मोहम्मद महरजा कातिल गिरफ्तार न थियण खिलाफ सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ए सिविल सोसाइटी पारा एहतजाजी मुजाहिरो प्रेस क्लब आडो अलामती भुख हड़ताल कई वही हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सद से सखर हैदराबाद हाला टंडो जान मोहम्मद न्यू सैदाबाद में एहतजाजी मुजाहरा कर अलामती भुख हड़ताल कई वही ठट्टो टंडो जान मोहम्मद आला न्यू सैदाबाद में बेहतजाज अलामती भुख हड़ताल शहीद जान मोहम्मद महर के वारसन कलम थणिन ए सिविल सोसाइटी पारा शहीद के समूरा कातिल ए सहूलतकार गिरफ्तार करण जो मुतालबो सिंध में अफगान पनाहगीरन खिलाफ ऑपरेशन जारी कराची में गैर कानूनी तौर तरसियल 51 अफगानी गिरफ्तार पुलिस जो चवण है तो सोहराब गोठ में गैर कानूनी तौर तरसियल अफगानिन खिलाफ ऑपरेशन दौरान 51 अफगानिन के गिरफ्तार किया वो है गिरफ्तार कल अफगानिन वटा 10 मोटरसाइकिल्स हथ कई व्यून कानूनी कार्रवाई कई पी वे अफगानिन समेत गैर कानूनी तौर तरसियल समूरन परडेह खिलाफ ऑपरेशन जारी रह सकरन भरसा माड़ी चलबाणी वाके की अदालती जांच लाए सिंधाई कोर्ट में दाखिल दरख्वास्त बुधनी एक हफ्ते लाए मुलतवी जस्टिस नेमतुल्ला फुलपोटो ते बदल ब रुकनी बेंच धुरन के नोटिस जारी करे जवाब तलब करे वरतो दरख्वास्त में जानाए वो है तो माड़ी चलबाणी गोठ में फायरिंग सबब चार जणा मार्ज वया औरतुन समेत 9 जणा जख्मी थे सिंध हुकूमत पारा वाके की इंक्वायरी लाए चोड़ियल जांच टीम से एतमाद न है हाई कोर्ट के जज की निगरानी में मामले की अदालती जांच कराई वे लखी गुलाम शाह भरसा धड़लन जो पुलिस चौकी से हमलो एक पुलिस एहलकार सरकारी राइफल समेत अगवा कच्चे वाले इलाके में धड़ल पुलिस चौकी से हमलो करे पुलिस एहलकार अब्दुल फतह अबडो के अगवा करे वया धड़लन पारा अगवा कल एहलकार की बाजियाबी एवज गिरफ्तार सोनारो कहरानी चतोई ए संदस बिन साथियों के आजाद कर संदन हथियार भी वापस करण जो मुतालबो मंजूराबाद भरसा गुजरल ढीं गुम वल नींगर जो तशद लाश हथ शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नींगर के घुटा दई कतल करण की तस्दीक वारसन ए डॉक्टर्स पारा नींगर के ज्यादती जो निशानो बणाए कतल करण जो शक जाहिर सतन वरियन के नींगर अली मुर्तजा मलाह जो लाश लम्स अस्पताल मुंतकिल कर पोस्टमार्टम किया वो डॉक्टर्स जुजा वटी लेबोरेटरी माणी छड़ा नींगर के वालिद है तो संदस मासूम पुट अली मुर्तजा गुजरल शाम जो गुम वो हो गोलाबाद अज सुबुह जो पानी की टैंकी में तशद थियल कपड़न का आजो लाश मिलो संदस गिची में रसो बधल हो घोटकी में एसएसपी मुनीर खोड़ो ए रेंजर्स के विंग कमांडर मोहम्मद आतिफ की सरबराही में पुलिस ए रेंजर्स के कच्चे में ऑपरेशन ए जिले में अमन अमान बाबत गरजाणी कच्चे में जल्द टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करण पुलिस नफरी मुकर्र कर फैसलो एसएसपी घोटकी ए रेंजर्स विंग कमांडर जो चवण हो तो पखे से भी डोहारन के सहूलतकार खिलाफ कार्रवाई तेज कई वी टंडो गुलाम अली वेचो मस्तानी औरत सा मुबैना ज्यादती केस दाखिल कोर्ट मोहम्मद खान जरवार वासी मस्तानी औरत सा मुबैना ज्यादती जो खबरों सामू अचण बाद पुलिस वाके जो केस दाखिल कंदे मस्तानी औरत के मेडिकल लाइ अस्पताल मुंतकिल करे छड़ियो सांगड़ में शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के कैंपस में क्लासरूम के छित जा चापड़ किरण सबब एक शागिर्दियाणी जख्मी थियल शागिर्दियाणी अस्पताल दाखिल नवाबशाह में पीपल्स मेडिकल अस्पताल में हाउस जॉब कंदड़ डॉक्टर्स के 3 महीनन का पगार न मिली डॉक्टर्स पारा ड्यूटी जो बायकॉट एमएस ऑफिस अंदर धरणो बहाय वो मुतासिर डॉक्टर से चवण हो तो गुजरल 3 महीनन का पगारू ना मिली परेशान आयो मसलो हल न थो तो एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो
क्रिकेट वर्ल्ड कप जे बे मैच में पाकिस्तान नेदरलैंड के 81 रन सा शिकस्त दे छड़ी। पाकिस्तान पहिरीं खेॾंदे नेदरलैंड के खटण लाइ 287 रन जो टारगेट ॾिनो हो। नेदरलैंड जी टीम 41 ओवर्स में 205 रन ठाहे ऑल आउट थी वई। ईरान में औरतुनि जे हक़नि लाइ जदोजहद कंदड़ नरगिस मोहम्मदी अमन जो नोबेल इनाम माणे वरितो। नॉर्वे जे नोबेल कमेटी अमन जो नोबेल इनाम नरगिस मोहम्मदी खे ॾियण जो ऐलान करे छॾियो। नरगिस मोहम्मदी ईरान में इंसानी हक़नि, ख़ासि तौर ते औरतुनि जे हक़नि लाइ वॾो आवाज़ आहे।